हेलो, हम लोगों का जो फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, इस चैप्टर में कल जो हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था वो था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों ने टॉपिक कल शुरू किया था, तो इसमें जो कल चर्चा हुई थी अपनी उसमें एक पार्ट इसका हो गया था, पहला वाला पार्ट जिसमें हमने बताया था कि यदि हम एक आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ठीक लंबवत प्रवेश कराएं, यानी कल की जो अपनी बात थी उसमें ये बात थी कि इसमें यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और इसमें जो हमने पार्टिकल को वी वेलोसिटी से इसमें एंटर कराया, क्योंकि बीच में जो एंगल था वो 90 था, इसके संबंध में कल अपन लोगों ने ठीक पूरा विश्लेषण किया था, जिसमें हम लोगों ने आर निकाला था, टी निकाला था और आवृत्ति एन, या कुछ बुक्स में इसको एफ से भी लिखते थे, तो इनको हमने निकाला। आज हम लोग इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, इसका जो बी पार्ट है उसमें थोड़ा इसमें क्या है, इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है और जो वेलोसिटी यानी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल जो उसमें इस फील्ड में एंटर करा रहे हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर नहीं करा, थीटा एंगल बनाते हुए हम इसको बी वेलोसिटी से एंटर करा रहे। तो ऐसी स्थिति में आज हम फिर से पूरा विश्लेषण करेंगे और इसमें फिर से वही मान निकालेंगे हम कि आर का मान कितना होगा, साथ में फिर हम निकालेंगे टी का मान कितना होगा, उसके बाद हम इसमें अन्य विश्लेषण में पिच भी निकालेंगे, पहले इसको समझे बाद में पिच की बात आएगी क्या होना। तो इसमें यह होगा जब हम इसको बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्र में आवेश कण को क्यू आवेश के कण को वी वेलोसिटी से प्रवेश कराते हैं, थीटा एंगल पर कराते हैं, तो यहां पर हमें देखना होगा कि अब वी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक होगा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, इसके लिए हमने क्या किया कि जो वी का डायरेक्शन है मान लिया कि वो एक्स 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 की तरफ है, यानी एक्स अक्ष की तरफ है, और एक ये हमने इसमें परपेंडिकुलर वाई वाई डैश ले दिए, यानी इसके ठीक लंबवत एक अक्ष की। अब वी के अगर हम इस वेक्टर के कंपोनेंट करें तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालें तो इसका एक कंपोनेंट आएगा वी एक्स, जो कि एक्स एक्सिस की ओर होगा जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की होगी। दूसरा इसका कंपोनेंट निकालने के लिए इसके वी के हेड से हम वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये होगा वी वन। अब इसमें देखें यदि एंगल थीटा है तो इसको अगर हम ओ ए बी एंगल को ले लें तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज मिला, राइट एंगल कहते मिल गया हमें OAB। OAB अगर हम कहें साइन थीटा तो होगा हाइट, ठीक हाइट का मतलब यहां पर AB से है अपन हाइपोटेनियस, यानी इसका जो कर्ण है वो भी है, तो AB इक्वल आएगा B साइन। इस प्रकार से देखेंगे तो ये BY की वैल्यू होगी, BY इक्वल हो गया B साइन, और इसी में अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा इक्वल होगा बेस यानी OA अपॉन हाइपोटेनियस यानी फिर से V, तो OA इक्वल हो जाएगा B cos थीटा। OA की वैल्यू देख रहे हैं Vx के इक्वल है, तो यहां हो जाएगा वेक्टर Vx इज इक्वल टू V cos थीटा। इस प्रकार से हमने देखा इस V के दो घटक मिल गए थे, एक ऊर्ध्व घटक एक क्षैतिज घटक, इनको हम यहां नोट कर देते तो Vx मिला एक,
रिएक्टिव वैल्यू आ गई अपनी वी कॉस थीटा, और एक मिला वी वाई, इसकी वैल्यू आ गई वी साइन थीटा। अब जब आवश्यकता होगी तो यहां से इसको हम उपयोग करेंगे, ये इसमें समा दिखा लिया। ठीक, ये हमने कंपोनेंट करके दिखा दिए, तो वी के हमारे पास दो घटक प्राप्त हो गए, एक तो हो गया वी एक्स, एक हो गया। जब इसको हम थीटा एंगल से इसमें प्रवेश कराएंगे तो मान लिया एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका डायरेक्शन हम देखें ऐसा बना दिया, ये एक्स एक्सिस थीटा एक्स, और ये जब इसको हम इस तरीके से प्रवेश कराएंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, और दो कंपोनेंट की वजह से एक कंपोनेंट इसके वर्टिकल यानी जो चुंबकीय क्षेत्र अपना है उसके ठीक वर्टिकली काम कर रहा है अभी, इसके वजह से वह सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, और दूसरा कंपोनेंट वी वाई जो है जो वी साइन थीटा के इक्वल है, इस कंपोनेंट की वजह से वो सर्कुलर पाथ पर तो घूमेगा लेकिन साथ साथ वो आगे भी बढ़ता जाए, यानी ये होगा इसका जो मोशन होगा वो इस प्रकार से हो जाए, यानी हेलिक्स के एक कुंडली नुमा आकृति बनेगी, तो कुंडली नुमा आकृति बनाता हुआ ये चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाए, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा और अपने स्थान पर आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी घूमता जाएगा। ये स्थिति बनेगी कब, जब हम चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत आविष्कण को प्रवेश ना कराकर चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए आविष्कण को प्रवेश करें। अब हम इसमें निकालेंगे इसमें जो रेडियस आएगी आर वो कितनी होगी, तो यहां पर एक बात देखने की है कि यहां पर जो मान आता है तो इसमें दो फोर्स काम करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर फोर्स जो काम करेगा वो एफ इक्वल आएगा पहले, वो वाला फोर्स जो ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वी वाई की वजह से वी इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में काम करेगा, तो वो हो जाएगा क्यू वी बी के अनुसार, तो क्यू वी वाई बी, इस तरीके से ये बनेगा। अब इसमें अगर हम मान रखें एफ इज इक्वल हो जाएगा क्यू वी वाई की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा इंटू बी, यहाँ हो जाएगा क्यू वी बी साइन, ये इतना अपना फोर्स लगा, ये जो फोर्स होगा इसी के वजह से वह सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, यानी ये कह सकते कि यही फोर्स उसको सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, यानी जो वी का एक कंपोनेंट था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके वजह से जो फोर्स लगा यही फोर्स उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा। हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में वही पार्टिकल मूव कर सकता है जिसे उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस के अकॉर्डिंग उसे पर्याप्त अभिकेंद्र बल मिलना, तो ये उसे अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल कितना चाहिए ध्यान देना, F इक्वल चाहिए हमें एम वी वाई एम वी स्क्वायर अपॉन कितना चाहिए, इसके अनुसार अगर हम चले तो यहां हो जाएगा एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि तो यही बल इसको अभिकेंद्र बल अंतर है, इसको दोनों को इक्वल रखे हैं, यहां पर ले देंगे तो यहां ले लेंगे क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। इसमें देखें तो यहां साइन थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी से इसका स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इस प्रकार से अब जो देखा हमने तो यहां एक साइन बचा है और आर का मान पूछे तो आएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, तो यहां पर जो मान आएगा आपका वो रेडियस जो अपन ने ज्ञात की वो आएगा एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू। अब इस रेडियस के वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए और एक कुंडली बनाते हुए आगे की ओर, अगर हम ये कहें कि इसमें जो आवर्तकाल होगा यानी इस वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो आवर्तकाल अगर हमें निकालना है तो t इक्वल होगा 2 पाई r, क्या होगा 2 पाई r यानी गति पर दे बटे उसमें चाल से हम भाग कर देंगे,
तो व्रत की जो परिधि होगी उसमें अगर हम 40 से भाग करें और फिर इसमें ये आर की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं, ध्यान दें टी इक्वल निकालना, तो टी इक्वल क्या होगा 2 पाई आर अपॉन वी, यहां क्या है वी। अब इसमें वैल्यू रख दें, इसको अगर इक्वेशन में ले लें थर्ड, इससे इसमें वैल्यू रख दें, टी इक्वल क्या हो जाएगा 2 पाई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी और इंटू ये वी वाई की वैल्यू जो अपनी थी वो आएगा वी साइन थीटा। इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएंगे, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो वी को ला गया अपना 2 पाई एम अपॉन क्यू, यानी इस वृत्ताकार पथ पर जब वो घूमेगा पूरा एक चक्कर लगाने का समय कितना लेगा। अब इसी की मदद से हम लोग आवृत्ति अगर कहें एन, एन इक्वल क्या हो जाएगा बन जाएगी, इसको अब निकालने की हमें करना होता नहीं है, ई को पलट कर। अब जो मेन बात इसमें आती है जो पहले वाले केस से अलग है, क्या है, जब ये एक राउंड पूरा करता है तो एक राउंड पूरा करते समय ये एक्स एक्सिस की तरफ कुछ खिसक भी जाता है, ठीक, क्योंकि एल एक्स बनाता है बजाय कुंडली जैसे आता है, तो ये कितना खिसक जाएगा इसी को कहते हैं पिच। तो पिच क्या है, दूरी है, यहाँ निकालते हैं हम पिच क्या है, एक दूरी है, तो दूरी वो जो है मान लो पी से डिनोट कर रहे हैं, तो दूरी क्या होगा, तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, तो यहाँ पर अगर हम दूरी निकालना चाहें तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हम कहें कि दूरी बराबर तो चाल गुणा समय, चाल इस अक्ष की तरफ कौन सी है वी वन सॉरी वी एक्स यानी कहने दिए गुणा टाइम, एक चक्कर पूरा करने में लगा टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, ये निकाला था ठीक है, इनको क्या कर देंगे, अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आएगा वी कॉस थीटा इंटू ये वाली वैल्यू जो अपनी आएगी 2 पाई एम अपॉन क्यू। इस प्रकार से हम देखते हैं तो पिच टी इक्वल हो गया अपना 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू वी, तो ये इसकी पिच है। इस केस में हमें यही करना था, फिर से पूरा रिवाइज करते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति को हम लोग व्याख्या कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने जो व्याख्या की थी बोली थी कि यदि हम एक आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत प्रवेश करें यानी थीटा बराबर 90 पर प्रवेश करें, तो कल जो बात हुई थी अपनी कि जो उदाहरण था उसमें वो उसकी भी विचना थी, आज हम लोग उसका सेकंड केस कौन सा ले रहे थे, यदि हम उसको ठीक थीटा बराबर 90 पर प्रवेश ना करा करके हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण थीटा बनाते हुए प्रवेश कराएं तो क्या, तो पहला काम हम लोगों ने जो किया ये किया कि हमने जो वेलोसिटी थी वी, हम जानते हैं सदिश है जिसके हमने दो घटक प्राप्त कर लिए, एक ऊर्ध्वघटक और एक क्षैतिज घटक को हम लोगों ने यू एक्स कर दिया और इसको ऊर्ध्वघटक को हमने यू वाई कर दिया, इनको हमने निकाल के भी बताया ये वैल्यू ये। इसके बाद फिर ये कहा जाएगा इसमें जो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वघटक इन दोनों के कार्य अलग अलग, जो ऊर्ध्वघटक है वो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत काम कर रहा है तो वो जो काम करेगा तो वो है इस पार्टिकल को यानी आवेश कण को सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो इसको आगे की ओर यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाए। इस प्रकार से ये कहेंगे कि ये कण जो होगा वो सर्कुलर पाथ पर तो मूव करेगा लेकिन साथ ही साथ क्या होगा आगे की ओर बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से इसका जो पाथ एक्चुअल होगा वो होगा हेलिक्स टाइप का यानी कुंडलिनी के आकार, जैसे कुंडली होती है एक लपेट में आगे की ओर बढ़ती है इस प्रकार का ये। अब इसमें हमें इस जो कुंडलिनी बनी हुई है इसमें इसकी रेडियस चाहिए इस लूप की, तो रेडियस निकालने के लिए क्या किया हमने, पहले फोर्स F किसके साथ से निकाला, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ से निकाला, F को आया u v तक, यही फोर्स क्या करता है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल कम मूव कर सकता है जब उसे पर्याप्त विकेंद्र बल मिल रहा हो, यहाँ और कहीं से तो विकेंद्र बल मिल ही रहा है वहां से मिला होगा तो इसी बल से वो विकेंद्र बल मिला होगा, तो विकेंद्र बल की वैल्यू कितनी होगी, तो एम जी वाई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक, तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया यानी दोनों एफ की वैल्यू बराबर करी तो ये ठीक, इसको करने के बाद हम आर का मान निकाल लिया यानी सर्कुलर पाथ की रेडियस
फिर इसके बाद हमने कहा सर्वर पाथ पर जब एक राउंड पूरा करेगा तो समय कितना लगेगा, तो उसको बोलते आवर्तकाल। एक आवर्तकाल यानी समय बराबर का, एक चक्कर में चलेगी दूरी तो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, तो पाई आर बटे इसमें लिखेंगे चाल, कितनी चाल से चल रहा है तो वी बाई चाल से। अब इनमें हमने आर की वैल्यू इस इक्वेशन से रखती, वी बाई की वैल्यू ऊपर वाली जो हमने निकाली थी, तो इस बजाय देखा है इक्वल हो गया 2πm/qv। अब ये हो गया आवर्तकाल, अगर कहा जाए आवर्ती कितनी होगी यानी एक सेकंड में चक्रों की संख्या कितनी होगी, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो आएगा qv/2π। ये थी बात। इसके साथ साथ क्या है, अगर आया जब ये हेलिक्स कंडीशन में यानी कुंडली के आकार में आगे बढ़ रहा है, एक चक्कर में ये x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना आगे खिसक जाएगा, इसको निकालना, उसी को बोलते हैं पिच। तो पिच बराबर, अब ये क्या है पिच, एक दूरी है, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। लेकिन इसमें जो चाल ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, x एक्सिस के डायरेक्शन में, कंपोनेंट हम vx वाला ले, और इसमें समय कितना लगेगा एक चक्कर में, ठीक, टाइम कितना लगता है दिया पड़ता, इसको हमने t का मान यहां पर रख दिया, ठीक, और जो vx है उसको हमने v cos theta लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट। इसका जो अगला टॉपिक हम लोगों का वो अब आएगा साइक्लोट्रॉन। जो अगला टॉपिक हम लोगों का है वो है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन को हम लोग और देखेंगे ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक, इसको तो अपना चैप्टर वही है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने लिया वो साइक्लोट्रॉन लिया। अब साइक्लोट्रॉन के बारे में पहले बात आती है क्या, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम धनावेश कण को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान कर सकते। उच्च गतिज ऊर्जा से तात्पर्य कुछ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रदान करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती वो नहीं, उच्च गतिज ऊर्जा से मतलब है इसकी बहुत अधिक ऊर्जा यानी इतनी ज्यादा ऊर्जा जिससे कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हम संपन्न करा पाए, ठीक, या हम चिकित्सा क्षेत्र में पार्टिकल्स को दाग करके किसी सेल या टिश्यू को रिपेयर करना चाहें तो उसको कर पाए। तो यहाँ पर जो मेन बात आती है वो ये बात थी कि अगर कहा जाए तो साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम धनावेश कण को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान। अब बात आती कि ये किसने दिया, कहां से आया, आपको ध्यान देना, इसमें जो वैज्ञानिक ई ओ लिविंगस्टन और एक थे एम एस लिविंगस्टन, ठीक, हम थोड़ा सा उसको कंफ्यूज थे, ई ओ जो वैज्ञानिकों के नाम को करेक्शन करें हम लोग, तो वो थे ई ओ लॉरेंस पहले बार, और दूसरे वाले वैज्ञानिक जो थे एम एस लिविंगस्टन। तो ये वैज्ञानिक जो थे इन्होंने एक यंत्र बनाया, उसकी हम केवल आज सामान्य चर्चा यानी केवल साइक्लोट्रॉन के बारे में जो बात करेंगे वो केवल उसकी सामान्य चर्चा करते हैं, इसके आगे का पूरा डिटेल फिर सामने यानी कंस्ट्रक्शन तक ले जाएंगे। तो इन्होंने जो यंत्र बनाया तो कैसा काम करता था, किस प्रकार का था, उसकी संरचना समझनी, तो इसमें इन्होंने दो धातु के खोखले डी के आकार के पात्र लिए जिनको हम डी कहते, जिनको हम डी कहते, और ये डी लेकर के इनको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित कर, यानी यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो उस डीज के लंबवत ऊपर की ओर है और एक समान चुंबक उनमें इसको लगता है। इसके बाद इन दोनों डीज के बीच में एक उच्च प्रत्यावर्ती दोलित जोड़ दिए, इसके बीच में एक उच्च प्रत्यावर्ती दोलित जोड़ दिया। इसमें क्या विशेषता थी, इसमें विशेषता यह थी इसकी जो कोटिका थी उसकी कोटि भी बहुत अधिक थी,
और साथ में इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी भी कोटि और यानी एक की कोटि 10 की घात 4 के आसपास ये बोल लो और एक की कोटि 10 की घात 6 इस प्रकार से इसको लगता। फिर यहां पर एक पॉजिटिव पार्टिकल जिसको हमें तेजी से गति करानी है जिसको उच्च गति ऊर्जा प्रदान करनी है उसको यहां से यहां इस बिंदु पर मुक्त कर दिया जाए। तो हम देखते हैं कि वो पार्टिकल इसकी एक क्रिया के कारण से वो तेजी से गति करता है और यहां पर डील में ऊपर एक बिंदु लगी रहती है विंडो यदि यहां पर स्थान खुला होता है जहां पर एक रिंग प्लेट। तो ये अभी हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे सुन लें पूरी बात। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा धन आवेशित कण को उच्च गति ऊर्जा प्रदान किया जाता है। अब ये किस प्रकार से बनता है ये कैसा होता है इसके लिए हमने बताया धातु के दो खोखले डी के आकार के पार्ट होते हैं जिनको हम डीज कहते हैं उनको एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है और इन दोनों के बीच में डीज के बीच में एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्ट का स्रोत जोड़ दिया जाता है ठीक जिसकी वोल्ट का 10^4 वोल्ट के आसपास और आवृत्ति 10^6 उच्च वोल्ट स्रोत है। जब इसमें यहाँ पे एक पार्टिकल छोड़ा जाता है तो इसमें फिर एक क्रिया विधि होती है जिसके कारण से ये पार्टिकल उच्च गति ऊर्जा प्राप्त। तो इसको हम लोगों ने भी कंस्ट्रक्शन देखा। अब इसकी हम वर्किंग देखें तो वर्किंग के बारे में बात करें तो क्या होता है सबसे पहले हम जब यहाँ पर धनावेशित कण को मान लो ये क्यू चार्ज का पार्टिकल है इसको जब यहाँ छोड़ते हैं और एक क्षण पर मान लिया एक क्षण पर इस पर अभी पॉजिटिव चार्ज है इस पर नेगेटिव चार्ज है क्यों क्योंकि ये तो प्रत्यावर्ती समूह है तो बल का रहता है धन ऋण ये न्यूट रहे। तो एक क्षण के लिए मान लिया कि जब इसको ने पार्टिकल यहाँ मुक्त किया यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज था या धनात्मक चार्ज था इनके बीच में वोल्ट का तो इस पर एक फोर्स लगेगा एफ इक्वल क्यू वी इतना काम और ये फोर्स काम करेगा तो ये इतने फोर्स के साथ त्वरित होगा यानी बहुत तेजी से गति करते हुए और आगे की ओर बढ़ेगा किसकी तरफ इस बीच की तरफ और जैसे ही वो इस बीच के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पर हमने पहले से बता दिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत लगाएगा। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत लगाएगा तो उसके कारण से हमने पढ़ा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को जब गति कराते तो उस पर एक बल लगेगा एफ इक्वल क्यू वी डी और साइन या टाइम इतना फोर्स लगता है और इस फोर्स के कारण से वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा ठीक ये अभी बात हुई है। तो इसी फोर्स के कारण से एफ इक्वल एम वी स्क्वायर अपन ये आर वन कर लेगा पहले वन वन दिखा दें इतना फोर्स के कारण से वो सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर पाथ पर घूम करके जब ये इससे बाहर निकलेगा तो जैसे ही इससे बाहर आएगा उस क्षण पर यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नहीं। ऐसा क्यों हो रहा ऐसा इस वजह से कहा जा रहा कि यहाँ पर जो आवृत्ति है ठीक इस कण के घूमने की आवृत्ति यानी सर्कुलर पाथ पर घूमने की आवृत्ति और ये बाहर से जो हमने उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत लगा रखा है गोले के रूप में इसकी आवृत्ति बराबर होगी तो ये जैसे यहाँ घूम के आएगा उस समय यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर से एक बार त्वरित फिर से ये त्वरित होगा क्योंकि इसमें फिर से फोर्स काम करेगा बराबर की हुई और पहले की तुलना में इसका वेग बढ़ जाएगा यदि इसको हम वी वन कहते हैं यहाँ एफ वन कर लें तो यहाँ वी वन की तुलना में अगली बार जो है वो बढ़ जाएगी और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो अगली बार जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी वो भी बढ़ जाएगी ठीक आर टू इस प्रकार से देखेंगे कि सर्कुलर पाथ बड़े सर्कुलर पाथ पर होंगे और फिर जब इससे बाहर निकलेगा तो फिर से वही क्रिया होगी ये वाली जब तक प्लेट नेगेटिव हो जाएगी वाली पॉजिटिव हो जाएगी तो इसमें फिर एंटर कर जाएगा और वेग अपना और अधिक बढ़ाना। इस प्रकार से देखते हैं कि हर एक राउंड में इसका वेग बढ़ता जाता है और साथ में त्रिज्या भी बढ़ती है जब त्रिज्या बढ़ते बढ़ते त्रिज्या का मान मैक्सिमम यानी इस दीप के लगभग त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो ये ऊपर जैसे पहुंचेगा तो ऊपर लगे हुए ऋण इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होकर के इसके विंडो के बाहर चला जाएगा और उस समय तक
इसका वेग जैसे पहले v1 था तो v2 फिर v3 फिर v4 फिर v5 ठीक इस प्रकार से देखेंगे तो इसका जो n चक्करों में अगर वेग है वो vn होगा जो कि बहुत बड़ा होगा। ठीक इस प्रकार देखते हैं कि एक धनावेश कण बहुत अधिक उच्च वेग से ठीक हम गति इसको करा। अब इसके बारे में जो हम लोगों को फॉर्मूले तैयार करने उनके बारे में कल।